नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नेशन भारत। बिहार में बढ़ते कोरोना के आंकड़े को देखते हुए सरकार चिंतित है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लगातार गाइडलाइन पालन करने के लिए हिदायत दे रहे हैं। लोग इसका पालन करें ताकि कोरोना से बचे, सुरक्षित रहे। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चिंतित है, और लगातार बिहार में जो कोरोना जांच भी चल रहा है, टीकाकरण का भी काम चल रहा है, और जो जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसके लिए जो अस्पताल है, बिहार सरकार के जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें भी मरीजों की जो बेड की संख्या है बढ़ा दी गई है, और मेडिकल टीम पूरी तरह से रेडी है ताकि किसी तरह को किसी पेशेंट को परेशानी ना हो। इसको लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद कहा कि बिहार में लोग जो गाइडलाइन है बिहार सरकार का उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लोग को पालन करना चाहिए, कोरोना से डरना चाहिए ताकि बिहार के एक एक लोग कोरोना से बचे, और पूरी तरह से बिहार के स्वास्थ्य विभाग भी, बिहार सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से भी बताया जा रहा है, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, तब जाके कोरोना से बचा जा सकता है। और जो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से रेडी है और अलर्ट है कि ताकि किसी तरह के कोरोना मरीज को परेशानी ना हो। तो सुनिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। सर, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह से इसको टैकल करने की योजना आगे है? देखिए, पिछले एक डेढ़ महीने से पूरे देश से ये समाचार मिल रहा था कोरोना का नया केसेस फिर से बढ़ रहा है, और हम सब लोग उसी समय से सतर्क हो गए थे। धीरे धीरे हम लोगों ने जांच को बढ़ा दिया था, और जो चिकित्सकीय सुविधा है उन सभी सुविधाओं को फिर से पूर्व की भांति हम लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया था। और बीच के दिनों में जो जांच 20,000 तक आ गया था, अब उस जांच को हम लोग बढ़ा के 75,000 तक ले गए हैं, और 1,00,000 तक जांच को ले जाने का लक्ष्य है। और अस्पतालों के अंदर भी जो कोरोना के मरीजों के ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई थी, उन व्यवस्थाओं को भी हम लोगों ने बढ़ाया है। विभिन्न अस्पतालों में जो कोविड के मरीजों के लिए बेड चढ़ा दिया गया, उन बेड के संख्या को बढ़ाया गया है, और आज ही समीक्षा हो रही है। सभी जिलाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, हमारे सिविल सर्जन के साथ आज 12 बजे से हम सब लोग समीक्षा करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और केंद्र की तरफ से भी लगातार हर विषयों की मॉनिटरिंग की जा रही है, निगरानी। सर, के लॉकडाउन को लेकर भी कोई चर्चा होगी आज की बैठक में, इसको लेकर भी समीक्षा? नहीं, अभी ऐसी परिस्थिति बिहार में नहीं दिखती है। आप देख रहे होंगे कि देश के विभिन्न जिस प्रकार से केसेस बढ़े हैं उसकी तुलना यदि आप बिहार से करेंगे 12 करोड़ आबादी के अनुपात में, तो बहुत हम लोगों ने उसको नियंत्रित रखा हुआ है। और अभी कुल लगभग 4,000 केसेज एक्टिव केस हैं, तो पूर्व का भी जो अनुभव है इस संख्या पे हम लोग उस हद तक नहीं सोच सकते हैं। आगे परिस्थितियां नियंत्रित हों इस पर हम सब लोगों का प्रयास करा। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।